वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आपका स्वागत है क्रेजी मॉन्स्टर 94। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कैसे फोटोग्राफी करेंगे पिक्स आर्ट से, वो भी एकदम खतरनाक लेवल की। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोगों ने अपना प्री सेट ले लिया था, जिससे हम लोगों को लगाना है वो बैकग्राउंड हम लोगों ने अपना ले लिया था। फिर वो फ़ोटो हम लोगों ने जो क्लिक किया था उस फ़ोटो को लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो गाइस अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें इरेज़र जो बनी है वहाँ पर इरेज़र की तरह वहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले इसको फ़ोटो को थोड़ा सेट करके जो इरेज़र बनी है वहाँ से क्लिक करके यहाँ से हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मेरा वो जो एक तरीके उधर से भी हो सकता है पर्सन साइड से, यहाँ पर ये पर्सन लिखा है, यहाँ से भी हो सकता था पर नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने सोचा ऑटो ऐसे ही कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने फिर क्या, इसमें बहुत टाइम लगा था इसको करने में मुझको। ये मैं धीरे धीरे से अभी इसके यहाँ से बैकग्राउंड हटा रहा हूँ, ये पैर के साइड से बैकग्राउंड हटाऊँगा। तो यार फ़ोटो एडिटिंग करने में तो आप लोगों को पता ही, अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत मज़ा आता है फ़ोटोग्राफी करने में यार। और पहली बात तो कोई भी काम करो मतलब दिल से करो तो मज़ा ही आता है, बेमन से करोगे तो कुछ नहीं मज़ा आता भाई, इस वजह से। तो अभी तो हम यहाँ पर ही पहुँचे हैं यार, पहले इसके तो साइड साइड लेते हैं, फिर बाद में पूरा बैकग्राउंड इरेज कर देंगे, क्योंकि साइड निकालने में ही बहुत टाइम लगता है। जब तक कि साइड मैं साफ़ कर रहा हूँ तब तक कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट करें बताएँ कि गाइस मैं अगली वीडियो अपनी कैसे डालूँ, तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट करने के लिए। और मैं 2 दिन के बाद अपना एक ब्लॉग डालूंगा जिस पर मैंने बताया कि मैंने कैसे वीडियो शूट की है और कैसे एडिट किया है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगा, सब आप लोग देखिएगा ज़रूर। 2 दिन बाद मैं अपना एक ब्लॉग और डालूंगा। तो इसमें मैं इसका यहाँ से इसका सर अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल शार्पिंग का काम था, तो थोड़ा इधर को साइज़ को बढ़ा कर इसका ये यहाँ से जो नेक है इसको हटा देता हूँ, फिर देखते हैं कैसी लगती है गाइस। तो अभी मैंने इसका जो है नेक और हेड हटा दिया है, तो अभी कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है, अभी भी ये कुछ बैकग्राउंड रह गया है तो इसको भी करना है रिमूव भाई। चलो ये भी कर रहा हूँ रिमूव, हो जाए जल्दी से रिमूव, बस थोड़ा ही रह गया है गाइस। अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं, मतलब स्किप कर दीजिए आप लोगों को अगर नहीं अच्छी लग रही है। वैसे भी आप लोग लाइक करते नहीं हैं यार, कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो गाइस बस थोड़ा सा ही रह गया था इसको करने में, ये हम लोगों ने अपना कर लिया है साफ वीडियो का, मतलब पूरा बैकग्राउंड इरेज करके अब यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर जो ये काउ है ना, सॉरी क्रो जो है, इस पर इसको सेट करेंगे हम लोग। अब इसको यहाँ पर सही से सेट करेंगे, तो ये मुझे लगता है यहाँ पर हो गया सेट, और फ़ोटो को कर लेंगे यहाँ से सेव। फिर फ़ोटो को यहाँ से सेव करने के बाद हम लोगों को कहाँ जाना है, सीधा वीटा ऐप में, वीटा ऐप में जहाँ से हम लोग अपनी वीडियो एडिट करेंगे। तो वीडियो एडिट करने के लिए हमें यहाँ से जो हम लोगों ने वीडियो शूट की थी वो ले लेनी है, और वीडियो शूट करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग एडिटिंग का स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ा ले रहा हूँ ताकि मुझको एडिट करने में आसानी हो। तो देखते हैं गाइस कुछ इस तरीके की शूट की है वीडियो ये, और मुझको चाहिए थी 15 सेकंड की, मेरे भाई ने 7 सेकंड की वीडियो मुझको सेंड की, मींस मतलब मैंने बनाई 7 सेकंड की। तो अब मैं इसको 15 सेकंड की कैसे भी करने के लिए या तो फ़ोटो लगाऊंगा या इसमें अभी थोड़ा स्लो मोशन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से अभी इसको स्प्लिट करता हूँ, तो इसको देखूँगा कि स्प्लिट करना है कहाँ पर, तो इसके ये यहाँ पर हैंड ऐसे हो रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से मैंने स्प्लिट करके और देखूंगा कहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत स्लो मोशन लगेगा। तो इसमें यहाँ पर मैं स्लो मोशन लगाऊंगा, इसमें 1.5x का लगा देता हूँ स्लो मोशन, इतना बहुत है यार। और इतना लगाने के बाद, सॉरी माइनस का लगाना था, मैंने तो इसमें फास्ट मोशन लगा दिया, तो इसमें माइनस का लगाया मैंने गाइस, यार गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए मिस्टेक है मेरी, सॉरी यार। तो यहाँ पर ये लगाया, अब यहाँ से मैंने देख रहा है वीडियो कहाँ पर अच्छी हो रही है, तो अब मैं यहाँ से इसमें भी थोड़ा क्या करूँगा,
इसमें भी थोड़ा स्लो मोशन लगा दूंगा 0.75x का। तो ये लगने के बाद हम लोग जो बाकी कुछ बचेगा उसको भी काट सकते हैं या नहीं भी काटे तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद हम लोग अपना फ़ोटो लेंगे क्योंकि हम लोगों की वीडियो बन चुकी है, तो हम लोग अपना ये फ़ोटो लेंगे जो हम लोगों ने एडिट किया था, तो उसको भी उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, बिल्कुल 15 तक कर देंगे। तो उसकी ड्यूरेशन हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे से, जो कि बिल्कुल 15 होना, 15 से 1 पॉइंट इधर हो ना 1 सेकंड नैनो सेकंड इधर हो। तो इसके लिए हमने बिल्कुल फिक्स कर लिया है, आई होप कि बिल्कुल फिक्स हो गया है। और ये थोड़ा सा रह गया है गाइस, बस मुझे लगता है अब हो गया ये, अब ये यहाँ पे इतना हो गया है। फ़ोटो की तो ड्यूरेशन बढ़ा दी है, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। तो यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से हुआ, और यहाँ पर हम वीडियो को कर लेंगे सेव, और वीडियो को यहाँ पर करेंगे 4K में सेव। तो जब तक ये वीडियो सेव हो रही है गाइस, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ऐसी फ़ोटोग्राफी सीखनी है या फ़ोटो एडिटिंग सीखनी है तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी हेलो या मतलब मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मेरी इंस्टा आईडी है इट्स मिस्टर सोहेल खान। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे डीएम करिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा। तो यहाँ से करने के बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे अपने VN ऐप में, और VN ऐप में आने के बाद वीडियो में हम लोग लगाएंगे इफ़ेक्ट। तो जो हमने वीडियो वीटा ऐप से जो एडिट की थी, अब उसे ले जाते हैं VN ऐप में। VN ऐप में ले जाने के बाद और हम लोग उसमें जो शेप और वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लगाएंगे। तो वीडियो अभी हो रही है सेव, सो गाइस अभी हम लोग अपने शेप वाला इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो वीडियो हो गई है सेव, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का फ़ोटो कहाँ पर रुका है जाके, और जहाँ पर हम लोगों का फ़ोटो रुका है ना, हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो हम लोगों का फ़ोटो अभी कुछ यहाँ पर रुका है, तो देखना पड़ेगा कहीं वीडियो में ना आ जाए, वरना यार थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि शेप में तो स्टार्टिंग में ही लगाना होता है। तो लगता है मुझको यहाँ पर है कुछ नैनो सेकंड्स का है, तो उसको अभी मैं पकड़ता हूँ धीरे से। तो गाइस अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, अभी ढूँढ रहा हूँ। पर गाइस एक बात है, VN ऐप और वीटा ऐप काइन मास्टर के इतने मुताबिक नहीं है, मतलब इतने स्मूथ नहीं चलते हैं ये वीडियो में, मतलब अटक से बहुत हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्प्लिट लगा दिया, हम लोगों को यहाँ पर मिल गया फोटो। और फिर यहाँ पर स्प्लिट एक लगाने के बाद एक यहाँ पर लगाया, ताकि हम लोग यहाँ पर इसमें हल्का सा और स्लो मोशन लगा पाएँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको और स्लो मोशन लगाया, और इसको डिलीट किया जो इसमें 3 सेकंड का पहले से ब्लैक बैकग्राउंड आता है। वीडियो कर लिया, अब हमने फिर से पूरे 15 सेकंड की यहाँ से थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें फिर से थोड़ा वहाँ पर गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ से हम लोग फिर से भी 15 सेकंड की वीडियो बना रहे हैं, मतलब उसकी ड्यूरेशन 15 सेकंड की कर रहे हैं। तो 15 सेकंड की इसकी ड्यूरेशन हो जाएगी। इसको देखते हैं कैसे ये होता है, इसको साइज सेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हो जा सेट भाई। तो गाइस अभी आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, तो अभी इसको सेट करते हैं। तो वो धोखे से मेरे प्रेस वाली बटन दब गई थी। तो गाइस अब हो चुका है ये सेट, और इसमें अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ब्लैक ब्लिंकिंग इफेक्ट। पहले इफेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर आएगा, ये रहा ये लगाया। अब इसको हम लोग लगाएंगे बिल्कुल 1 सेकंड का, जो कि 1.20 सेकंड का आता है, तो हम इसको सीधा 1 सेकंड का लगाएंगे। तो इसको भी 1 सेकंड का कर दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके थोड़ा फ़ोटो बढ़ा के स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद फिर इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग जिजल या जिटल 3 इफ़ेक्ट लगाएंगे, तो इसे भी थोड़ा या फुल कर देंगे, नहीं किया। पर अब इसे करने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर एक स्प्लिट लगाएंगे, जिसमें हम लोग 3 इफ़ेक्ट्स लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को लगाना है ये वाला स्लिप डाउन वाला, ये वाला इफ़ेक्ट लगाना है। फिर ये इफ़ेक्ट लगाने के बाद हम लोग एक और स्प्लिट करने का था हम लोगों ने, और फिर उसमें ये वाला एक इफ़ेक्ट लगा देंगे।
तो जब ये लगेगा तो वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। वीडियो को कर लेंगे यहीं से सेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।